अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी ब्रेड बंस की रेसिपी। बहुत ही मुनफरिद और यूनिक रेसिपी है, और बस इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसको जो भी एक बार खाएगा वो खाता ही चला जाएगा, उसका दिल नहीं भरेगा। तो आइए इस ज़बरदस्त यूनिक और मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें, उसमें शामिल करें अनसॉल्टेड मक्खन। अगर सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, और साथ में ही 3 टेबलस्पून के जितना मक्खन ऐड कर दें। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और तकरीबन 1 मिनट दरमियानी आंच पे उसको पकने दें। फिर एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको बारीक चॉप कर लें। मैंने इसको चॉपर में चॉप किया है तो ये बहुत ही अच्छी फाइन चॉप हुई है। बस इसके बाद जाएंगे टोटल इसमें 5 मसाले। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 से 1 टीस्पून के जितनी काली मिर्चों का पाउडर, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस ये मसाले डालें, इसे 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में आपने ऐड करनी है 250 ग्राम चिकन बोनलेस उबली हुई। मैंने क्या किया, 250 ग्राम चिकन लिया, उसको बॉईल किया अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। जब थोड़ी ठंडी हो गई चिकन तो चॉपर में डाल के इस तरह से चॉप कर लिया। आखिर में ऐड कर दें 4 टेबलस्पून की जितनी हरी प्याज। फ्रेश है तो फ्रेश ऐड करें, लेकिन अगर नहीं तो आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो भी अपलोड की थी, जो जो चीज़ें मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये कोशिश करें ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो फिलिंग में आ जाता है। बस मीडियम हीट पर ही 3 से 4 मिनट और पकाएं, इसके बाद चूल्हा बंद कर दें। फिलिंग रेडी है, और इसको फिलिंग को थोड़ा सा आप ठंडा कर लें फिर इस्तेमाल करें। ये फिलिंग इतने कम स्पाइसेस होने के बावजूद बहुत टेस्टी है, यकीन करें। आप इसको समोसों में, रोल में, जिस भी चीज़ में फिल करना चाहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। बस अब यहाँ पर ये कुछ बंस मैंने रेडी किए हुए हैं, एक आपके सामने तैयार करूँगी। ब्रेड के स्लाइसेस जितने आपको दरकार हैं उतने इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 6 बंस तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ब्रेड के 6 स्लाइसेस लेके किनारे कट कर दिए थे। ब्रेड के स्लाइस को पानी में तेज़ी से डिप करें, निकालें, और फिर हथेली में जेंटली आपने इसको प्रेस करते हुए जितना हो सके पानी जो है वो स्क्वीज़ आउट कर देना है। 1 से 2 टेबलस्पून के जितनी फिलिंग रख दें, या फिर जितना ब्रेड के स्लाइस का साइज़ है उस हिसाब से आप ऐड करें। फिर चारों तरफ से आपने इसको फोल्ड कर देना है। और वीडियो को मैंने कट नहीं किया इसलिए कि आप देख सकें कि किस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और सिक्योर करना है आखिर पे। अच्छी तरह आपने इसको सिक्योर करना है, वरना क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल भी सकता है। यहाँ पर ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें बस कोट करना है और फिर एक प्लेट में आप अरेंज कर लें जितने आपने फ्राई करना है, और 10 मिनट आप इसको सेट होने के लिए छोड़ दें। किसी कढ़ाई में तेल डालें, कोशिश करें फ्रेश ऑयल हो, क्योंकि डार्क कलर का ऑयल होगा तो बंस भी फिर डार्क कलर के ही फ्राई होंगे। मीडियम हीट पर 6 से 7 मिनट तेल को गरम करें। तो सबसे पहले आपने एक बन डाल के चेक करना है टेम्परेचर, फिर बाकी के आप डालें, ताकि ऐसा ना हो कि सारे ही आप डालें और जल जाएं या तेज़ी से वो फ्राई हो जाएं, क्योंकि ब्रेड से बनी हुई चीज़ें बहुत तेज़ी से फ्राई हो जाती हैं। तो बस 6 से 7 मिनट मीडियम हीट पर दोनों साइड से पलटते हुए आपने ब्रेड की जो बंस हैं इसको फ्राई कर लेना है, और या फिर इतना कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको ऑयल से निकाल लेना है। तो लीजिए, विद इन एन आवर बनने वाला बहुत ही आला किस्म का सेवरी स्नैक तैयार है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, बल्कि अभी भी ट्राई करें, और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तो मैंने ही खाया था, ऑफ़ कोर्स बहुत मज़े का था और भूख भी लगी हुई थी ड्यूरिंग शूट। तो
ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको इधर उधर की चीज़ें स्नैक ये वो नहीं पसंद। ये कि मैंने उनको कहा कि आप ट्राई करें, काफ़ी अच्छा है। जब उन्होंने खाया तो ही वॉज़ लाइक वाओ, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही डिफरेंट है। फिर उन्होंने एक और खाया। वो अगर किसी चीज़ को अप्रूव कर दें, स्पेशली स्नैक्स वगैरह, दैट मीन्स कि वो चीज़ बहुत ही आला है और बहुत अच्छी है। इसको आप सर्व करें केचप के साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ, अगर बड़ों को सर्व कर रहे हैं तो कोई भी चिली सॉस या फिर गार्लिक सॉस भी, क्योंकि घर में गार्लिक सॉस थी, मैंने उससे भी इसको ट्राई किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे बताएं कि आपके घर वालों ने इसको खा के क्या कहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।